नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरा, दोपहर 1 बजे बदायूं में करेंगे रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां हुई शुरू, प्रत्याशी चयन के लिए जल्द पर्यवेक्षक बनाएगी भाजपा, प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा पैनल। राहुल पर दिए पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, प्रदेश अध्यक्ष बोले सर्वोच्च पद पर मोदी नहीं करें छोटी बात, गांधी परिवार का देखें बलिदान। उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर जारी, रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी वन अग्नि, वन विभाग पौड़ी ने क्यूआरटी टीम का किया गठन, वही कांग्रेस ने लगाया लापरवाही का आरोप। हल्द्वानी में पत्नी की हत्या कर 2 बच्चियों के साथ आरोपी फरार, पति को पुलिस ने किया अरेस्ट, 10 अप्रैल को मिला था अफसाना का शव। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा जल्द पर्यवेक्षक तैनात करेगी, और इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, साथ ही संगठन स्तर पर नगर निकाय क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र में भेज करके दावेदारों के नाम का पैनल तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग व जिलाधिकारी से मतदाता सूची में जो खामियां आई थी उसको सुधारने की मांग भी पार्टी द्वारा की गई थी। जो नगर निकाय क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाता है, उसके लिए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों में भेज करके वहां पर जो भी दावेदार हैं उन नामों का पैनल तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। जल्द ही हमारे पर्यवेक्षक नगर निकाय क्षेत्र में जाने वाले हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्वाचन आयोग से और जिलाधिकारियों से भी जो मतदाता सूचियों में जो खामियों की जो बात सामने आ रही थी उसको लेकर के भी उसको सुधारने की मांग की गई थी, इस पर भी निर्वाचन आयोग के द्वारा अभियान चलाया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी को लेकर आज प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने अपर जिलाधिकारी वित्तीय अशोक जोशी से मिलकर के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश अनुसार निकाय के लिए जो वोट नहीं बन पाए उन्हें बनवाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलवाने का निवेदन किया, जिस पर अशोक जोशी ने बताया कि सभी BLO को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह 1 सप्ताह तक अपने बूथ पर बैठकर कैंप लगाकर जो वोट नगर निकाय चुनाव के लिए छूट गए हैं उनका फॉर्म भरने का आदेश जारी कर दिया गया है और सभी बूथों पर नए वोट बनाने के फॉर्म भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। नगर निकाय चुनाव जिस प्रकार से आने वाला है इसमें कुछ लोगों के वोट बनने से रह गए थे, जिसके लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से संपर्क करके इसके समय को बढ़ाने की मांग की थी। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको 10 दिन का समय दिया है नए वोट बनाने के लिए। तो आज हम लोगों ने इसको चुनाव को जो देख रहे हैं हमारे यहाँ के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी जी इसको देख रहे हैं, आज उनसे हम मिले थे, उनसे मैंने अनुरोध भी किया है कि सारे BLO को समय से सूचना दे दी जाए और सबको फॉर्म उपलब्ध करा दिए जाए। तो उन्होंने मुझे जिस प्रकार से बताया है कि सारे BLO अपने अपने बूथों पे बैठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की पारंपरिक सीटों को लेकर के सस्पेंस खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर के रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। रायबरेली में नामांकन करते समय राहुल गांधी ने भावुक होकर कहा कि मेरी मां ने भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है, अमेठी और रायबरेली दोनों मेरा परिवार है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धमान दुर्गापुर में एक विशाल रैली के दौरान अपने
संबोधन में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि डरो मत, खाने वालों भागो मत। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही कहा कि हमने पहले ही बता दिया था कि सहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, हार के डर से ही वह तीसरा विकल्प चुनने वाले हैं। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, उन्हें इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें गांधी परिवार के बलिदान को याद रखना चाहिए। के बारे में बात करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि उनका इस देश की देश की आजादी, देश का नवनिर्माण और देश के सवालों को लेकर उनकी कई पीढ़ियों की शहादतें, इसका उन्हें सम्मान करना चाहिए। बहुत छोटी बात प्रधानमंत्री जी ने की है जिसकी हम उनके मुंह से आशा नहीं करते हैं, लेकिन अब भाजपा की एक बड़ी पार्टी हो गई है कि कांग्रेस के नेताओं का मान मर्दन करना है तो कोई हल्की बातें करें। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का जो बयान है बड़ा ही निंदनीय है। इस देश में आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी संसद का चुनाव लड़ सकता है। उत्तराखंड में जंगलों की आग जहां रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है, वहीं सरकार और वन विभाग की चिंता भी अब बढ़ने लगी है कि आखिर कैसे वनग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल विस्ट की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब मोर्चा संभाल जरूर लिया है, लेकिन विभाग के मंत्री प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में जो कार्य योजना पहले बन जानी चाहिए थी जिससे आग पर नियंत्रण पाया जा सकता था, उस पर विभाग के अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे हैं और सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए, उत्तराखंड के वन लगातार एक महीने से ज्यादा समय हो गया धू धू करके जल रहे हैं, खरबों रुपए की संपत्ति जल करके जो है स्वाहा हो गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तंद्रा अब जाके टूट रही है और अभी भी सरकार के जो इंजाम है वो नाकाफी है। वनों की अग्नि पर जो है नियंत्रण नहीं पाया जा सक रहा है। वन मंत्री जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं, उन्हें अपने प्रदेश की फिक्र ही नहीं है। आखिर जो है सरकार के पास क्या डिजास्टर मैनेजमेंट है? उत्तराखंड के जंगलों को आप नहीं बचा पा रहे हैं, उत्तराखंड के पर्यटन को और उत्तराखंड के पर्यावरण को इससे जो है गंभीर जो है खतरा पैदा हो गया है। आखिर सरकार ने पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया? केवल जो है बातें करने से काम नहीं चलेगा ना। जंगलों में लगातार लग रही आग से राहत पाने के लिए अब वन विभाग पौड़ी सिविल सोयम द्वारा क्यूआरटी टीम का गठन कर दिया गया है। क्यूआरटी टीम जो कि आग की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर सुविधाजनक उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाएंगे। डीएफओ पौड़ी सिविल सोयम प्रदीप कुमार ने बताया कि जिस तरह से जंगलों में लगातार आग लग रही है उस पर काबू पाने के लिए पौड़ी और श्रीनगर के लिए क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। यह टीम आग की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम है, असल में देखा गया है पिछले एक हफ्ते के अंदर पौड़ी हेडक्वार्टर के आसपास वनाग्नि घटनाओं में काफी इजाफा हो गया है, तो हमारे द्वारा जो है क्यूआरटी टीम का गठन इसमें पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और श्रीनगर वाले एरिया में किया गया है। वहाँ पे चार धाम यात्रा भी प्रस्तावित है कि मतलब जहाँ से हमें आग की सूचना मिले तुरंत हमारी जो है टीम वहाँ मौके पहुंचे और तुरंत उसको डाउज ऑफ की कार्रवाई प्रस्तावित है। हमें यहाँ पे अभी वन विभाग में ड्यूटी मतलब यहाँ आग बुझाने के लिए भेजा गया है। ना तो बहुत टफ हो रखा है, फिर भी हमारे पास संसाधन रैक दे रखा है और हमारे पास मतलब सबके पास ड्रेस दे रखी है, थोड़ा हमारे पास जूतों की दिक्कत है, जूते नहीं मिल पा रहे अभी, जूते का पता नहीं क्या इशू है, मिल जाएंगे एक दो दिन में। और आग आग को काबू करने के लिए हमें पत्तों का सहारा लेना पड़ा, रैक से काटनी पड़ रही है। बीती 8 अप्रैल को अपनी पत्नी अफसाना की हत्या का आरोपी सौरव आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मूल रूप से रुद्रपुर सुभाष कॉलोनी का रहने वाला सौरव करीब 2 माह पहले ही हल्द्वानी के सेवाजी कॉलोनी टीपी नगर में किराए के मकान में रहने आया था और 10 अप्रैल को अफसाना का शव यहीं किराए के कमरे में मिला। कमरा बाहर से बंद था। घटना की रात सौरव घर आया, उसने पत्नी का गला घोंटा और बेटियों को लेकर के फरार हो गया। 12 अप्रैल को पुलिस ने सड़े गले शव का पोस्टमार्टम करवाया था। इसके बाद एसओजी व ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस हत्यारे सौरभ की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। इसका हमने वेयरअबाउट चेक किया, कहां कहां जा सकता है। अंततः फिर इसका जो मोबाइल था
वो बरेली में इसने किसी को बेचा था, तो ये मथुरा में इसने बताया कि मुझे फलाने आदमी ने बेचा है, मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ। मथुरा में हमारी टीम गई तब तक ये वहाँ से निकल चुका था, लेकिन वहाँ के आसपास पूछताछ करने पर पता लगा कि ये रुद्रपुर अपने घर गया है, संभवतः ये बच्चों को कहीं सेटल करना चाहता था। तो जैसे ही इनपुट मिला हमारी टीम ने इसको रुद्रपुर से अरेस्ट किया, और इसमें इस सफल अनावरण के लिए SSP साहब ने भी इसमें 2,500 रुपये नकद इनाम की घोषणा की। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए RTO द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात को लेकर के RTO प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और PRD जवानों की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा के हाईटेक चेक पोस्ट में प्रवेश कर रही है तो वो गाड़ी ओवरलोड ना हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो। हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होमगार्ड और PRD के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं। शारदा नहर में दोस्तों के साथ नहाते समय पैर फिसलने के कारण डूब गए छात्र राजा दसीला का शव घटना के चौथे दिन बरामद कर लिया गया। बता दें कि खटीमा में रहकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा DD Hat निवासी छात्र राजा डसीला बीती 1 मई बुधवार के दिन अपने दो दोस्त उदय सिंह एवं पंकज के साथ शारदा नहर में नहाने के लिए गया था, जहां पैर फिसल जाने के कारण वह घाट से फिसल कर नदी में बह गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस एवं जल पुलिस के जवानों के द्वारा शव को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। घटना के चौथे दिन सफलता मिली और शारदा नहर से डूबे हुए छात्र राजा का शव बरामद कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। करके ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, कुछ प्रशिक्षण भाग ले रहा था, उसका नाम राजा डसीला DD Hat पिथौरा का रहने वाला है बच्चा। उसी की डेड बॉडी को खोजी जा रही थी और इसमें NDRF SDRF और स्टेट की जल पुलिस ने बहुत ही मेहनत किया और आज जाके डेड बॉडी मिली है। तो मैं भी आज चला ही था कि जरा ऑपरेशन को मैं देखूँ वहाँ मौके पर, तो मुझे आधे रास्ते ही ये सूचना मिल गई कि डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन मैंने कहा कि चल के पहले देख ले, PM आज ही करा दिया जाए और डेड बॉडी उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाए। कुत्तों में वायरस से होने वाली K9 डिस्टेम्पर बीमारी का संक्रमण जंगली जानवरों तक पहुंच गया है। हल्द्वानी के साउथ झोलासाल फॉरेस्ट रेंज में तेंदुए और लालकुआ के डोली फॉरेस्ट रेंज में बाघ की मौत पर IVRI भेजे गए सैंपल की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने संक्रमित श्वान को शिकार किया होगा, जिससे कि वो संक्रमित हुए। हालांकि अभी मौत के कारण सामने नहीं आए। IVRI ने संबंध में वन विभाग को गाइडलाइन जारी करने का भी सुझाव दिया। बीमारी है और कुत्तों में होती है, और जो इसके श्वान प्रजाति के जो पशु हैं उसमें जो है इसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, टीकाकरण है इसके लिए। परंतु ये देखा गया है कि पूरे विश्व में कई जगह जो है ये बाघ और शेरों में भी ये बीमारी जो है कुत्तों के साथ में आने से उनके साथ, क्योंकि आजकल मानव और वन्य जीवों के साथ साथ वन्य जीवों में आपस का भी संघर्ष बढ़ रहा है। वो लोग जो बाघ वगैरह हैं वो मानव जाति के संपर्क के साथ साथ कुत्तों के संपर्क में भी आते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि कई जगह जो है
इनके स्पोरेडिक केसेस हुए हैं जिसमें डिस्टेंपर की पुष्टि हुई है। सीमांत जिला चमोली के विकास खंड पोखरी की बीडीसी मेंबर राधा रानी रावत ने वीडियो पोखरी पर विकास कार्यों में मनमानी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 महीने से वीडियो द्वारा किसी भी फाइल पर साइन नहीं किए जा रहे, जिसके कारण उन योजनाओं का लोगों का भुगतान होना था वो नहीं हो पा रहे। वीडीसी मेंबर ने कहा कि कई महीनों से वीडियो अपने कार्यालय में नहीं है और फोन करने पर ना तो फोन उठाते हैं और ना ही ब्लॉक के अन्य कर्मचारी फोन उठाते हैं, ऐसे में कैसे विकास के कार्य होंगे। पन्नालाल जी आए तब से तो ब्लॉक में कुछ भी नियम से नहीं चल रहा है, उनकी अपनी मनमर्जी से, कुछ उनकी मर्जी से चलता है, कुछ प्रमुख की मर्जी से चलता है। अभी जो 2023 की जो कार्य योजना बनाई गई है उसमें नियोजन समिति बैठती है तब कार्य योजना बनाई जाती है, लेकिन हमारे वीडियो साहब ने क्या किया है उसमें नियोजन समिति की बैठक बुलाई, कोरम पूरा नहीं था, उन्होंने वो 3 लोगों के साइन पर कार्य योजना पास कर दी और उसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि हम लोगों की 3-3 महीने से फाइलें अटकी हुई है, पेमेंट नहीं हो रहा, पूरा कंप्लीट करने के बाद वो पेमेंट नहीं हुई है। चंपावत जिले में लंबे समय से बारिश ना होने के चलते सूखा पड़ गया है। पर्वतीय क्षेत्र में किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। चंपावत के जिला किसान संगठन जिलाध्यक्ष नवीन, कोषाध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे और राजकिशोर साहा ने जिले के सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग सरकार से की। किसान नेताओं ने कहा कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों ने ऋण लेकर लाखों रुपए की लागत का आलू लगाया था, लेकिन सूखे की चपेट में आने से आलू की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। गेहूं, लहसुन, प्याज और अन्य फसलें भी पूरी तरह सूख चुकी हैं। उन्होंने सरकार से कृषि ऋण माफ करने और चंपावत जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। जिले में बहुत बड़े स्तर पर आलू की पैदावार कर रखी थी, मगर मौसम ने जो है किसानों का साथ नहीं दिया। कारण क्या रहा, बारिश नहीं होने की वजह से सारी फसल किसानों की आलू की चौपट हो चुकी है। जो किसान कर्ज में डूबे थे पहले से ही वो और ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं। मैं कई बार हमने अपने संगठन के माध्यम से जनप्रतिनिधि को अवगत कराया कि सरकार से कुछ राहत किसानों को दी जाए, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो हमसे वोट मांगने के लिए हमारे घर घर पहुंचते हैं उनने हमारी एक नहीं सुनी। या कहीं पर भी हो पूरे जिले में इस समय जो है किसान सूखे से पूरी तरह त्रस्त है। जैसा कि अभी साथियों ने बताया सभी किसानों ने जो है कृषि ऋण लेकर अपनी फसल लगाई थी जो फसल जो है पूरी तरह से सूख गई है। सीमांत जिले में हो चाहे वो गेहूं हो और भी चाहे कोई अन्य जो भी फसलें हैं वो सारी की सारी सूख चुकी हैं। हम सरकार से और प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों का जो कृषि ऋण है वो माफ किया जाए, और क्योंकि 100% जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। वन विकास निगम के अध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के आकस्मिक निधन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखा और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश गहतोड़ी जी का निधन इस उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड के साथ साथ जनपद चंपावत को जो सौगात माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान कैलाश गहतोड़ी जी ने दी है वह क्षेत्र के लिए अमूल्य है। इस जो उन्होंने त्याग किया है इस त्याग को कभी भूल नहीं पाएंगे और हम सब कार्यकर्ता उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से कार्य करते हुए उनकी सोच को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। गर्मी शुरू होते ही जल संस्थान विभाग अलर्ट हो गया है। इस बार पहाड़ों में बारिश कम होने के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों की धार कम हो गई है। पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के जल संस्थान विभाग गांवों में पेयजल टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं जल संस्थान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि विभाग द्वारा सल्ट के जिन गांवों में पेयजल की दिक्कत आ रही है उन गांवों में टैंकरों के माध्यम से पानी बांटा जा रहा है, साथ ही हेडपंप की मरम्मत का कार्य भी जारी है।
प्रारंभ हो चुका है और हम विकास कंसल्ट में हमारे जो मैक्सिमम स्रोत हैं वो ग्रेविटी आधारित हैं और उनमें क्योंकि वर्षा जो है ग्रीष्म काल में इस समय नहीं हुई है और ठंड में भी इस बार उतनी बरसात नहीं हुई जिसकी वजह से जो है वो स्रोतों में पेयजल की मात्रा कम होने लग गई है। तो जहाँ पर हमारे सड़क के माध्यम से टैंकर पहुँच सकते हैं वहाँ हम लोग जो है पेयजल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से सुनिश्चित करा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सड़क क्षेत्र में हैंडपंप जो लगे हुए हैं उनकी भी हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। कुछ अगर कहीं पे भी हमारे हैंडपंप खराब होने की सूचना विभागीय हमारे अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तथा ग्रामवासियों के द्वारा जो प्राप्त हो रही है उसको हम लोग शीघ्रता से उन हैंडपंप की मरम्मत करा रहे हैं ताकि लोगों को उससे भी एक पेयजल की उपलब्धता प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आपके द्वारा ये पूछा गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ टैंकर के माध्यम से सप्लाई नहीं की जा सकती है, हैंडपंप भी उपस्थित नहीं है, तो वहाँ प्रशासन के द्वारा खच्चरों से पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी विगत कुछ वर्षों तक विकास कंसल्ट में ऐसी स्थिति नहीं आई कि हमें ये करना पड़े। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।